सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप, जो विंडोज 7 को हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, उसमें हम पासवर्ड को कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो में यही बताऊँगा कि आप अपने विंडोज 7 लैपटॉप या कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, जिसमें हमारा जैसे प्राइवेट डाटा वगैरह होता है, डेटा वगैरह होता है, जिसे हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसमें हम पासवर्ड लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आप वीडियो समझ पाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आपको अपने स्टार्ट बटन पे आ जाना है। स्टार्ट बटन आ जाने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरीके के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ से कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ से आप कैटेगरी यूज़ कर लेंगे। कैटेगरी में है तो आप इसे लॉन्ग आइकन में यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा जो ऑप्शन है ढूंढने में आसानी होगी। आप लॉन्ग आइकन में इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, यूज़र अकाउंट का ऑप्शन आपको इसमें ढूंढ लेना है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, तो मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा यूज़र अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। देख सकते हैं यूज़र अकाउंट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा यूज़र अकाउंट के ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा क्रिएट अ पासवर्ड, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना होगा सबसे फर्स्ट नंबर पे। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पर दोस्तों क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपसे पहला पासवर्ड पूछा जाएगा, बाद में उसे कंफर्म भी करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में लगाते होंगे पासवर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पासवर्ड को सेट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे कि दोस्तों 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहते हैं तो कठिन भी डाल सकते हैं पासवर्ड। अब दोस्तों कंफर्म में आपको यही पासवर्ड देना होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, तो आपको कंफर्म में भी दे देना है। जैसा कि आप लोग मोबाइल में अगर पासवर्ड लगाते होंगे, तो आपको पता होगा कि कंफर्म करने के लिए भी वही पासवर्ड डालना होता है, यानी कि डबल बार आपको पासवर्ड डालना होता है। और यहाँ पे आपको क्रिएट अ पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंफर्म पूरा डाल देने के बाद पासवर्ड आपको क्रिएट अ पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो हमारा जो पासवर्ड है सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सेट हो जाएगा। अब जब भी हम अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे, तो उसमें हमारा जो पासवर्ड मांगा जाएगा, तभी हम लैपटॉप ओपन होगा, अन्यथा नहीं ओपन होगा। दोस्तों अगर आप इस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं, तो आपको फिर से स्टार्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। अगर पासवर्ड हटाना है तो आपको फिर से स्टार्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से आपको फिर से कंट्रोल पैनल को क्लिक करके, और यहाँ से आपको यूज़र अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैं आपसे यूज़र अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। यूज़र अकाउंट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपने जहाँ पे पासवर्ड बनाया था, यहाँ पे लिखा होगा रिमूव पासवर्ड, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा होगा रिमूव पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा रिमूव पासवर्ड। यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी पासवर्ड दिया था यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 दिया था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और डाल देने के बाद रिमूव पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं यहाँ से पासवर्ड को डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे रिमूव पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा जो लैपटॉप में हमने पासवर्ड हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ से क्लिक और क्लिक जैसे ही मैं कर, तो हमारे देख सकते हैं यहाँ से जो हमने विंडोज 7 लैपटॉप या कंप्यूटर में पासवर्ड लगाया होगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में पासवर्ड को लगा सकते हैं, अगर दोस्तों लगाना चाहते हैं पासवर्ड। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।